नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। करनाल में एक महिला पर उसके ही पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार बागपति की रहने वाली लच्छो देवी पर उसके ही पड़ोसियों ने हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला का आरोप है कि आए दिन उसके पड़ोसी उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अलबत्ता उनसे मारपीट के सबूत मांगे जाते हैं। घायल महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस को की गई थी। पुलिस ने महिला को मंगलवार को थाने में बुलाया था। इस बात की भनक जैसे ही आरोपियों को लगी तो उन्होंने महिला को ना केवल जान से मारने की धमकी दी बल्कि घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। महिला की रिश्तेदार भावना ने बताया कि उनके क्षेत्र में अक्सर मारपीट होती रहती है, लेकिन पुलिस द्वारा ना तो कोई कार्यवाही की जाती है और ना ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए अस्पताल में हमारे संवाददाता तरुण मदान की घायल महिला से बातचीत के कुछ अंश। तो क्या लगते हैं वो आपके पड़ोसी हैं? बस सिर्फ पड़ोसी हैं। मतलब पड़ोसी आते और मारपीट कर चला जाता है। कहीं पर वाकई हो चुके हैं। अच्छा, जान से मारे गए। तो अब किस चीज से हमला किया था आपके ऊपर? तो कल है ना, पुलिस वाला ने बुलाई थी, मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बस वो कहने की तरह दरखास्त की गई। मैंने कहा दरखास्त ली, मेरे बार पटाई करते होता हूँ, उन्होंने दरखास्त दे रखी। मैंने कहने लगे चौकी बात जाएंगे, मैं तेरे को खत्म करेंगे। उन्होंने मेरे मारने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या था, मतलब ऐसा था जो आपने दरखास्त पहले दे रखी थी उस चक्कर में आपको बुला रखा था पुलिस वालों ने ना, तो आप जाने लगे तो उन्होंने आपके ऊपर अचानक हमला कर दिया। घर पे आके मारा, घर पे आके मारा। तो आपने पुलिस में दोबारा कंप्लेंट कर दी है? अब देखो बयान लेकर गए तो कुछ कार्रवाई कुछ नहीं कार्रवाई। चोट लगी तो ये चोट के बाद वहाँ पे गए हैं। अच्छा जी, चोट के बाद वहाँ पे लेके गए हैं नौ सेक्टर चौकी में। तो उन्होंने दिखाने के लिए कि ये देखिए, वो कहते हमने नहीं देखना, हम ये मार वो उसकी वो देखे एमएलआर। तो आप कौन है जी? मैं इनके गाँव की हूँ। वैसे में बुआ का रिश्ता है। आपका नाम? वैसे पड़ोसी है। आपका नाम? मेरा नाम भावना है, भावना। तो आप क्या चाहते हैं? चाहते क्या, मैं तो ये कहती जो इनके साथ जैसा किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। वही बात है जो ये बागपति वाले लोगों को ये है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट दो, साथ क्या उनका ही तो चलान कटना है। बस ये चीज़ का सारे गांव में है, नौ सेक्टर चौकी वाले पूरा उनका साथ देते हैं। मेरे साथ भी हो चुकी है एक दो बार लड़ाई झगड़ा, मेरी माँ के साथ, मेरे साथ। नौ सेक्टर चौकी में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है सर। क्योंकि उन्हें चाहिए सबूत, जिसके साथ मार पिटाई हो रही है वो कैसे मूवी बनाएगा? चलो ठीक है, फिर मूवी के बाद भी अगर मूवी भी है फिर भी उन्हें सबूत का नहीं पता, फिर भी वो झूठे चलान काटते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस वाले भी अच्छे से जानते हैं और पुलिस भी अच्छे से जानती है और वो भी पुलिस को अच्छे से जानती है। क्योंकि वही ना, आपका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जितनी मर्जी झगड़ा हो, जितनी मर्जी झगड़ा हो, मेरे साथ भी हो रहा है काफी। अच्छा, पुलिस साक्ष्य मांगती है, मारने वाला सबूत कहाँ से लाएगा? पिटने वाला सबूत कहाँ से लाएगा? पहले तो सबूत नहीं होता था, फिर हमने कोशिश बंदा जिसके साथ बार बार करते हैं, मेरे साथ भी पड़ोसियों का यही सिस्टम है। आपके पड़ोसी क्यों करते हैं आपके साथ? हमारे पड़ोसी मेरे दादाजी की जमीन थी पुराने टाइम में, सबसे पहले बागपति में। तो हमसे ही पूछ के उन्होंने डंगर बांधे। तो हमने सोचा हमारे यहाँ तो डंगर वंगर नहीं है, हम अपनी ड्यूटी पे रहते हैं पापा के साथ। पापा भी एक्सपायर हो गया, ताया ताई जी रहते थे। दो डंगर बांधे, दो के बाद और चौड़े हो गए। तो मतलब बढ़ते बढ़ते उन्होंने, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है किस तरह से उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके हमारे में बनाए। इनके साथ वो जिन्होंने लड़ाई की है वो हमारी खुंदस, क्योंकि हमारा और इनका अच्छा मेल मिलाप है, तो खुंदसबाजी है मेरे हिसाब से ये चीज़ है। और अब पुलिस के पास जाओ, पुलिस दूसरी पार्टी उन्हें पता है गलत कौन है सही कौन है, मगर वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब आपका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना कोई किसी का साथ दे रही है। जाके सीधे बंदे को सिर्फ बिठाएंगे, चार घंटे बिठाएंगे, फिर दूसरी पार्टी को प्यार से बुलाएंगे, नहीं जिसने गलती की उसको पकड़ के बुलाओ, अगर नहीं आ रहे तो। अगर नहीं आ रहे तो एक बार बुलाओ, दो बार बुलाओ, नेक्स्ट टाइम डाल के लेके आओ। कहते जी हम क्यों बुलाएं, हमारे उसमें पता नहीं है। बस ये ड्रामे हैं, सही बंदा हमेशा पिसता ही है। थैंक यू। बाद में पुलिस में जाएंगे तो फिर जान से मार के जाएंगे पुलिस में, खत्म करके। तीन दफा लड़ाई हुई, तीन दफा मेरे घर में मार रहे। तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से पिटने के बाद भी उनकी कार्रवाई नहीं हो पा रही, पुलिस उनकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।